बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा है ग्रुप्स का। कल तक हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। आज हमारा क्वेश्चन है इन अ ग्रुप जी शो दैट इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। ठीक है, तो हमारे पास इसको प्रूफ करते हैं। गिवन दैट G is group, so far A belongs to G, A inverse belongs to G। कि अगर आपके पास G जो है, क्योंकि वो ग्रुप है, तो अगर A कोई भी एलिमेंट है G का, तो A इनवर्स भी G को बिलोंग करना, हमने शो करना है ये जो इनवर्स है ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। वी हैव टू शो दैट द इनवर्स इज यूनिक। लेट इनवर्स, हम इसको उल्टा सपोज करते हैं कि लेट इनवर्स ऑफ ए इज नॉट यूनिक। अगर यूनिक नहीं है, मतलब एक से ज्यादा है, दैट इज ए हैज टू इनवर्सेस, लेट से बी एंड सी। कि हम लेट करते हैं कि एक के जो इनवर्स है वो यूनिक नहीं है, तो एक के दो इनवर्सेज होंगे, दो इनवर्सेज हैं और उनको हमने नाम क्या दे दिया, बी और सी। अब टेकिंग बी एज इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, अगर ए बी जो है वो ए का इनवर्स है, तो बी ए से मल्टीप्लाई होने के बाद आइडेंटिटी दे देगा, देन बी ए इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। टेकिंग सी एज इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, तो सी ए सी क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब हमें एक और चीज़ पता है, नाउ एस बी को लिख सकते हैं बी डॉट ई, ई आइडेंटिटी है बी, उसको मल्टीप्लाई होगा, आंसर में बी ही वापस आ जाएगा। इस ई की जगह अगर मैं लिख दूँ, इस ई की जगह अगर मैं बी ए लिख दूँ, ठीक है, ए सी लिख दूँ, सॉरी, ठीक है, तो इसको लगा सकती हूँ बी टू ए सी, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल्स टू बी ए। इसको मैं लिख सकती हूँ बी ए बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बी ए इंटू सी, बी इज इक्वल्स टू बी ए किसकी इक्वल है, आइडेंटिटी के। बी ए आपके पास इक्वल है आइडेंटिटी के, आइडेंटिटी इंटू सी, मतलब बी इक्वल्स टू सी। हमने तो ऊपर क्या कहा था कि दो अलग अलग इनवर्सेज हैं बी और सी, लेकिन हमारे पास क्या आया है, बी और सी आपस में बराबर आया है, हैंस इनवर्स ऑफ ए इज यूनिक। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम इंशाल्लाह क्लास में ही डिस्कस करेंगे। ओवरऑल करना है कुछ आप लोगों से, कराना है कुछ हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में सेट गिवन है अंडर मॉड्यूलो 9, इसको चेक करना है कि ये ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं। मैंने आपको अंडर मॉड्यूलो 5 करना सिखाया है, आप अंडर मॉड्यूलो 9 भी उसी तरीके से ही करेंगे। आंसर 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर 9 से बड़ा आ जाए तो आप उसको 9 पे डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज जी 0 इज़ अ ग्रुप वेयर 0 इज़ डिफाइंड एज ए 0 ऑफ बी इज इक्वल्स टू, मतलब बेसिकली ये ओ है, ओ आपके पास ऐसा फंक्शन है कि अगर वो दो ग्रुप के दो एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो, तो आंसर में हर सूरत में क्या देगा, बी 0 देगा। तो हमने चेक करना है कि क्या ऐसा सेट ऑफ जो इंटीजर्स हैं वो ग्रुप फॉर्म करते हैं कि नहीं करते, ठीक है, तो इस तरह को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 5 हमारे पास है इस जेड ओ अ ग्रुप वेयर O is defined by लेकिन कोई चीज़ ग्रुप तो फॉर्म करते हैं ना कि जब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो, एसोसिएटिव होल्ड हो, इसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हो। आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास, आइडेंटिटी होती है 1, ठीक है, मल्टीप्ली एज ए जी मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। क्या आंसर में कभी भी 1 आ सकता है, मतलब ए और बी को आंसर में ए और बी जैसे मर्जी हो, हर सूरत में आंसर में क्या आना है, 0, मतलब 1 तो आ ही नहीं सकता। बेशक मैं ए को बी से करूँ या बी को ए से मल्टीप्लाई करूँ, आंसर में 1 तो नहीं आएगा, आंसर में बाई डेफिनेशन क्या आएगा, 0। इसका मतलब है कि 1 जो एज आइडेंटिटी होती है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करे। तो लिखें हेयर ए सर्कल बी इक्वल्स टू 0, सिमिलरली
बी सर्कल ए इक्वल्स टू जीरो, विच इम्प्लाइज दैट आइडेंटिटी इज नॉट प्रेजेंट इन जेड, सो जेड जीरो इज नॉट ग्रुप। क्लियर हो गया। क्वेश्चन सिक्स हमारे पास है, शो दैट द मैट्रिसेस आई है हमारे पास 1 0 0 1, ए हमारे पास है 1 0 0 -1, बी है -1 0 1 और सी है फॉर्म्स ग्रुप। हमने शो करना है कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए फाइनाइट है ना, आई ए बी सी तीन चार एलिमेंट हैं, फाइनाइट हैं, तो क्या करते हैं कैली टेबल ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैली टेबल बनेगा, चार एलिमेंट हैं तो पांच रो और पांच कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन क्या है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ पे आई ए बी सी, आई ए बी सी और सी, आई आई से मल्टीप्लाई होगा तो आई आई ए से होगा तो ए बी और सी, ए आई से होगा तो ए ए ए ए स्क्वायर ए बी ए सी बी बी ए बी स्क्वायर बी सी 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 ए सी बी सी स्क्वायर। अब ये हमारा कैलिटेबल नहीं है। कैलिटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक हमने ये चीज़ें फाइंड ही नहीं की हैं। ठीक है, तो अब सारा कुछ क्या करना है, ग्रुप चेक करने के लिए कि क्लोजर होल्ड करती है, एसोसिएटिव होल्ड करती है कि नहीं, तो हमें ए स्केयर भी फाइंड करना है, हमने चेक करना है कि ए स्केयर कहाँ से चारों में से किसकी इक्वल आता है। ठीक है, वो उधर लिखेंगे, ए बी भी फाइंड करेंगे किसकी इक्वल आता है, ए सी भी फाइंड करेंगे, बी ए भी फाइंड करेंगे, बी स्केयर बी सी सी ए सी बी सी स्केयर, सारा मल्टीप्लीकेशन को करेंगे प्रॉपर डन। ठीक है, कुछ इस तरीके से करेंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ या आप लोग खुद करेंगे। ए बी भी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ए बी का आंसर आपके पास ये आया -1 0 -1, ये किसकी इक्वल है सी के इक्वल, तो हम इसको लिख लेंगे कि ए बी किसकी इक्वल है सी के, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी ए बी इक्वल्स टू सी, ये आपने पूरा मल्टीप्लाई करना है। फिर आपके पास बी ए है, बी ए का आंसर भी -1 0 0 -1 आ रहा है, मतलब ये भी क्या है सी, तो बी ए भी आंसर में क्या देगा सी देगा। नेक्स्ट आपके पास है ए सी है, ए सी का आंसर है -1 0 0 1, ये आपके पास बी की इक्वल है तो ए सी की जगह हम लगा देंगे बी। सिमिलरली ए सी ए फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे, सी बी ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर फाइंड करेंगे, तो आपके पास फाइनल टेबल कुछ ये बनेगा। ठीक है, जब आपके पास ये फाइनल टेबल बन जाएगा तो इसके नीचे आप मेंशन करेंगे क्लोजर ला होल्ड, एसोसिएटिव ला होल्ड इन इट। ठीक है, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों होल्ड करती है, हर रो में सारे एलिमेंट मौजूद हैं, हर रो में सारे एलिमेंट मौजूद हैं और इस टेबल में कोई भी उन चारों एलिमेंट के अलावा और कोई मैट्रिक्स भी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो क्लोजर होल्ड करती है, एसोसिएटिव जनरल होल्ड करती है। देखिए आइडेंटिटी हर लाइन में मौजूद है, आई मौजूद है ना, आई एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मौजूद है, हर लाइन में एक आइडेंटिटी आ रही है, मतलब हर नंबर का इन्वर्स मौजूद है। देखिए आई है, आई का इन्वर्स आई है, इधर आई है मतलब ए का इन्वर्स ए है, यहाँ पर आई है बी का इन्वर्स बी है, यहाँ आई है सी का इन्वर्स सी है, मतलब हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है। तो ये जो आपके पास चार मैट्रिसेस थे, ये क्या करते हैं ग्रुप को फॉर्म करते हैं। ये प्रॉपर नोट्स बना के मुझे आप लोगों ने सेंड करने हैं। ठीक हो गया। आपके पास है प्रूव दैट द सेट ऑफ कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन आई एफ जी एंड एच डिफाइंड ऑन द सेट सी माइनस जीरो, मतलब कम्प्लेक्स नंबर पे है जिसमें जीरो इन्वॉल्व नहीं है, ऑफ अ नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर बाय आई ऑफ जेड जो है वो जेड की इक्वल है, एफ ऑफ जेड जो है वो माइनस जेड की इक्वल है, जी ऑफ जेड वन ऑवर जेड की इक्वल है, एच ऑफ जेड माइनस वन बाय जेड और जेड जो है वो सारे सी माइनस जीरो को बिलोंग करें। अब गिवन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और गिवन है कि आई ऑफ जेड जो है जेड की इक्वल है, मतलब जब आई किसी फंक्शन जेड के कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो वो फंक्शन खुद ही वापस आ रहा है। ठीक है, मतलब वो नंबर खुद वापस आ रहा है। एफ ऑफ जेड इस तरीके से डिफाइन है कि अब एफ जब जेड के ऊपर अप्लाई होता है तो वो नेगेटिव दे देता है उसका, और जी ऑफ जेड इस तरीके से डिफाइन है कि अगर जी जो फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है वो उसका रेसिप्रोकल देता है,
एच ऑफ जेड इस तरीके से डिफाइन है कि वो रेसिप्रोकल के साथ नेगेटिव साइन भी देता है, ठीक है। अब इस तरीके से हमें शो करना है कि ये आपके पास क्या है। अच्छा, यहाँ तक ये सारी चीज़ डिफाइन है। इसके बाद उन्होंने कहा है फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन जी ऑफ एफ ऑफ जेड, कि हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ जेड जो इक्वल है जी ऑफ एफ ऑफ जेड के, डी इसको बोलते हैं जी कंपोजिशन फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ जेड। कंपोजिशन फंक्शन आपने थर्ड ईयर में पढ़ा हुआ था या सेमेस्टर वन में मेरे ख्याल से आपने पढ़ा है, उसमें हमारे पास ये होता है कि एक्स मतलब जी ऑफ एफ ऑफ जेड का मतलब है कि जी ऑफ एक्स में एक्स की जी ऑफ जेड में जेड की जगह एफ ऑफ जेड को पुट कर देना। तो ये हमारे पास फंक्शन डिफाइन है। और फंक्शन क्या डिफाइन है हमारे पास, फंक्शन डिफाइन है जी कंपोजिशन एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ जेड, ठीक है, कि जी ऑफ जेड में जेड की जगह एफ ऑफ जेड लगाते हैं। इस चीज़ को ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले देखिए, अब हैं तो फाइनाइट चार ही है ना, चार फाइनाइट है, तो हम क्या करते हैं कैली टेबल को ड्रा करते हैं। कैली टेबल ड्रा करने का मतलब है पाँच रो पाँच कॉलम, कंपोजिशन फंक्शन है तो सर्कल लगाऊंगी, एक दो तीन चार, चार लगाने, एक दो, एक दो तीन चार, ठीक हो गया। आई ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड, जी ऑफ जेड, एच ऑफ जेड, आई ऑफ जेड, आई ऑफ जेड से होगा आई ऑफ जेड, आई ऑफ एफ, आई ऑफ जी, आई ऑफ एच, एफ आई एफ सर्कल एफ, एफ सर्कल जी, एफ सर्कल एच, जी सर्कल आई, जी सर्कल एफ, जी सर्कल जी, जी सर्कल एच, एच सर्कल आई, एच सर्कल एफ, एच सर्कल जी, एच सर्कल एफ। अब हमें इसके तो आंसर पता ही नहीं है, तो हमें ये सारी चीज़ें क्या करनी है, फाइंड करनी। तो इसको मैं वन का नाम देती हूँ और मैं ये सारी चीज़ें फाइंड करते हैं, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले नीचे लिखती हूँ आई, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, आई आई चाहिए, तो आई सर्कल आई, आई सर्कल आई बाई डेफिनेशन क्या हो जाएगा, आई ऑफ जेड, ये डेफिनेशन बनती है ना। आई जी सर्कल एफ का था, जी ऑफ एफ, तो आई सर्कल आई, आई ऑफ आई, आई ऑफ जेड का मतलब है कि आई ऑफ जेड में, आई ऑफ जेड में जेड की जगह आई ऑफ जेड लगा देना। आई ऑफ जेड की जगह क्या है, जेड ही है ना आपके पास, तो ये हो जाएगा आई ऑफ, और आई ऑफ जेड की क्या वैल्यू है, आई ऑफ जेड की वैल्यू जेड है, आई ऑफ जेड किसकी इक्वल है, ठीक है, आई ऑफ जेड के ही इक्वल है। इसका मतलब है कि हम नेक्स्ट टेबल में यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई ऑफ जेड। नेक्स्ट है आई ऑफ एफ, आई ऑफ एफ का मतलब है आई ऑफ एफ ऑफ जेड, कि आई ऑफ एफ ऑफ जेड क्या है, एफ ऑफ जेड है माइनस जेड। देखिए आई ऑफ जेड था, ठीक है, आई ऑफ जेड था तो आंसर में जेड दे रहा था, आई ऑफ माइनस जेड है तो आंसर में माइनस जेड देगा, माइनस जेड किसकी इक्वल है, एफ ऑफ जेड के। इसका मतलब है कि आई सर्कल एफ जो है वो एफ ऑफ जेड की इक्वल है। इसी तरीके से बाकी भी फाइंड करते हैं। इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा आई ऑफ जी, मतलब आई ऑफ जी ऑफ जेड, आई ऑफ जी ऑफ जेड क्या है, वन, जी ऑफ जेड है वन बाई जेड। अब देखें आई ऑफ जेड था तो जेड था, आई ऑफ वन बाई जेड है तो आंसर में क्या आएगा, वन बाई जेड, वन बाई जेड किसकी इक्वल है, जी ऑफ जेड के। आई ऑफ एच ऑफ जेड लिखते हैं, ये हो जाएगा आई ऑफ एच ऑफ जेड, आई ऑफ एच ऑफ जेड है माइनस वन ओवर जेड, तो आंसर में अगेन क्या आएगा, माइनस वन ओवर जेड, जो इक्वल है एच ऑफ जेड के। क्लियर हो गया। इस तरीके से मैं इन सारे वैल्यूज को क्या करती हूँ, फाइंड करती हूँ। अब नेक्स्ट क्या हमें चाहिए, एफ ऑफ आई चाहिए, एफ कंपोजिशन आई ऑफ जेड, तो ये हो जाएगा एफ एफ ऑफ आई ऑफ जेड, एफ ऑफ आई ऑफ जेड क्या है, जेड की इक्वल, एफ ऑफ जेड किसकी इक्वल है, या तो एफ ऑफ जेड की इक्वल ही आ गया सिंपल, क्योंकि हमें एक सिंपल फंक्शन चाहिए होता है। फिर हमें एफ ऑफ जेड चाहिए, ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ एफ ऑफ जेड आपके पास माइनस जेड की इक्वल है, एफ ऑफ देखें एफ ऑफ जेड था तो नेगेटिव आया था, एफ ऑफ माइनस जेड है तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव जेड मतलब जेड आएगा, और जेड किसकी इक्वल है, आई ऑफ जेड के। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास है एफ ऑफ जी ऑफ जेड, हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ जेड, जी ऑफ जेड आपके पास है वन ओवर जेड। देखें एफ ऑफ जेड था तो आंसर में नेगेटिव जेड आ रहा था, एफ ऑफ वन ओवर जेड है तो नेगेटिव वन ओवर जेड आ जाएगा, नेगेटिव वन ओवर जेड किसकी इक्वल है, एच ऑफ जेड के। ठीक हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ, कहाँ तक कर लिया था हमने, एफ ऑफ जी ऑफ जेड तक किया है, एफ ऑफ एच ऑफ जेड, एफ सर्कल एच ऑफ जेड इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ जेड, एफ ऑफ एच ऑफ जेड है माइनस वन ओवर जेड, तो ये हो जाएगा प्लस वन ओवर जेड मतलब जी ऑफ जेड। नेक्स्ट आपके पास है जी सर्कल आई ऑफ जेड जी ऑफ आई ऑफ जेड, आई ऑफ जेड आपके पास जेड की इक्वल है तो ये जी ऑफ जेड की इक्वल है, जी ऑफ एफ ऑफ जेड जी ऑफ एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड आपके पास माइनस जेड की इक्वल है, जी ऑफ जेड हमारे पास गिवन था, जी ऑफ जेड है कि अगर जेड के ऊपर अप्लाई हो तो उसका रेसिप्रोकल आता है जिसके ऊपर भी अप्लाई हो, अब जी अगर नेगेटिव जेड के ऊपर अप्लाई हो तो नेगेटिव का रेसिप्रोकल आ जाएगा जो आपके पास एच ऑफ जेड की इक्वल है। नेक्स्ट है जी ऑफ जेड, जी सर्कल जी ऑफ जेड हो जाएगा, जी ऑफ जेड आपके पास है वन ओवर जेड, फंक्शन जेड जी ये है कि उसका रेसिप्रोकल देता है तो वन ओवर जेड का रेसिप्रोकल क्या आएगा, जेड जो इक्वल है आई ऑफ जेड के। नेक्स्ट आपके पास है जी ऑफ एच, जी सर्कल एच ऑफ जेड, इसको लिखेंगे जी ऑफ एच ऑफ जेड, एच ऑफ जेड माइनस वन ओवर जेड, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस जेड जो इक्वल है एफ ऑफ जेड के। इसी तरीके से नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं एच ऑफ आई, आपके पास नेक्स्ट फाइंड होना है एच सर्कल आई, इसका आंसर आपके पास एच ऑफ जेड ही आ जाएगा। नेक्स्ट है एच सर्कल एफ ऑफ जेड, ठीक है इसका आंसर आपके पास, इसका आंसर आएगा एच सर्कल एफ ऑफ जेड का आंसर आएगा जी ऑफ जेड, या आप लोग पूरे फाइंड करेंगे ठीक हो गया, जी ऑफ जी सर्कल एच सर्कल जी ऑफ जेड का आंसर आएगा एफ ऑफ जेड, और एच सर्कल एच ऑफ जेड का आंसर आएगा आई ऑफ जेड, ये सारी वैल्यूज हमारे पास फाइंड होगी। इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा कैली टेबल बना हुआ था उसको थोड़ा सा रिन्यू करना है, ठीक है आप उसको रिन्यू करते हैं। फाइनल टेबल बनेगा वो फिर कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है मैंने उन सारी वैल्यूज़ को हटा के जो मेरे पास ये वाली वैल्यू चल रही थी, इन सारी आई ऑफ जेड की जगह उसका आंसर, आई ऑफ एफ की जगह उसका आंसर, आई ऑफ जी की जगह उसका आंसर, मैंने सारे आंसर से ये टेबल बनाया। अब अगर इस टेबल में देखें तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो उन चारों के अलावा कोई और हो, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, अब नीचे लिखेंगे फ्रॉम द अबव कैली टेबल क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, आइडेंटिटी हमें आई ऑफ जेड नज़र आ रहा है जो आइडेंटिटी है तो वो भी नज़र आ रही है, ठीक है इस तरीके से हर लाइन में एक दफ़ा आई ऑफ जेड भी है तो इन्वर्स भी मौजूद है। देखें आई का इन्वर्स आई है, यहाँ पे आई है, एफ का इन्वर्स एफ है, यहाँ आई है, जी का इन्वर्स जी है, और एच का इन्वर्स एच है। आप ये पूरी कहानी नीचे लिखेंगे और पूरी क्वेश्चन नीचे लिखेंगे कि एज द ऑल द कंडीशन ऑफ या ऑल द एग्जाम्स ऑफ ग्रुप आर सेटिस्फाइड दो सो द अबव फंक्शन फॉर्म ग्रुप द मल्टीप्लीकेशन।